सो हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे Xiaomi ने HyperOS के न्यू अपडेट Redmi 12 5G और M6 Pro 5G के लिए यहाँ पे रेडी कर दिए हैं। सो हम यहाँ पे HyperOS के न्यू अपडेट को कब तक एक्सेप्ट कर सकते हैं, यही मैं आपको इस वाली वीडियो में शो करने वाला हूँ। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहना और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर से करके जाना अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब का बटन यहाँ से प्रेस नहीं किया है तो। सो यहाँ पे Redmi 12 5G के लिए HyperOS 1.0.2.0 ग्लोबल स्टेबल अपडेट यहाँ पे रेडी हो चुका था, लेकिन अब उस वाले बिल्ड को यहाँ पे सस्पेंडेड करके एक न्यू स्टेबल वर्जन यहाँ पे रेडी कर दिया है, क्योंकि 1.0.2.0 में हमें कुछ मेजर इश्यूज यहाँ पे देखने के लिए मिल चुके थे और इसी के कारण यहाँ पे Xiaomi ने उस वाले बिल्ड को सस्पेंडेड करके एक न्यू स्टेबल बिल्ड यहाँ पे रेडी कर दिया है। सो यहाँ पे MI रीज़न के अलावा और कौन कौन से रीजन्स के लिए HyperOS के अपडेट को यहाँ पे रेडी किया गया है, ये भी मैं आपको शो करने वाला हूँ। सो यहाँ पे Redmi 12 5G HyperOS ग्लोबल अपडेट इज़ ऑन द होरिजन। सो यहाँ पे कौन सा न्यू बिल्ड हमारा रेडी हो चुका है। सो यहाँ पे OS 1.0.2.0 को तो सस्पेंडेड कर दिया गया है, सो अब यहाँ पे हमारा एक न्यू स्टेबल बिल्ड OS 1.0.3.0 UMWMIXM के बिल्ड में Redmi 12 5G ग्लोबल वेरिएंट के लिए यहाँ पे रेडी कर दिया गया है। और ये स्टेबल अपडेट हमारा एंड्रॉयड 14 पर भी बेस्ड है और ये स्टेबल अपडेट हमें मल्टीपल चेंजेस के साथ भी यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाला है। सो यहाँ पे यूज़र्स इस वाले अपडेट के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं, क्योंकि ये स्टेबल अपडेट हमें मल्टीपल चेंजेस के साथ यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाला है। सो आर यू एक्साइटेड फॉर दी Xiaomi HyperOS अपडेट फॉर दी लेटेस्ट Redmi 12 5G एंड M6 Pro 5G? और यहाँ पे इंडिया रीजन और यूरोप रीजन के लिए इंटरनल स्टेबल टेस्टिंग यहाँ पे चल रही है। सो यहाँ पे जब भी टेस्टिंग ख़त्म होगी इंडिया रीजन के लिए, इसके रिगार्डिंग मैं लॉन्ग वीडियो क्रिएट कर दूंगा और आर्टिकल भी मैं यहाँ पे अपडेटेड करता रहूँगा। आर्टिकल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा, खुद भी जा करके आप चेकआउट कर सकते हैं। सो हिट द सब्सक्राइब बटन नाउ एंड ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल नाउ टू नो द मोर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दी Xiaomi HyperOS।